नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा आपका हॉक फीड में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं चोर पार्टी कांग्रेस की। देखिए, गुजरात में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। जीएसटी और नोटबंदी को लेकर कांग्रेस के द्वारा जो झूठ फैलाया गया था उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस के चाटुकारों ने नोटबंदी को फेल करार देते हुए ये भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि भाजपा गुजरात में हारेगी ही, लेकिन आपको बता देता हूं, इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधूत जी हैं, इस पर अब थोड़ा सा प्रकाश। अवधूत जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। ध्रुव जी, एक बात तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस ने बहुत से आरोप लगाए भाजपा पर कि जीएसटी बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत लोग एटीएम की लाइनों में मारे गए और तरह तरह के झूठ कांग्रेस ने देश के सामने पेश करे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि गुजरात और हिमाचल चुनावों के जो हाल ही में नतीजे आए हैं वो नतीजे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों और लोगों के मुंह पर बहुत ही करारा तमाचा है जी। और ये तमाचा लोकतंत्र में सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जनता ही ऐसी पार्टियों को उनके झूठ के प्रति एक सबक सिखाती है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कह दिया आज बात करते हैं हम एक चोर पार्टी की, तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यदि अगर आप इतिहास की भी बात करें तो शुरुआत से ही कांग्रेस का ऐसा इतिहास रहा है जिसके कारण कांग्रेस का नाम काले कारनामों में जुड़ा रहा है। जैसे कि उदाहरण लें कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तुरंत जीप घोटाला सामने आया। आप मानेंगे नहीं, जीप घोटाला केवल कुछ चंद हजार रुपयों का था, परंतु चंद हजार रुपया मानते हैं उस जमाने में चंद हजार रुपये की कीमत बहुत ज्यादा थी, परंतु फिर भी देश का प्रधानमंत्री होने के नाते भी जवाहरलाल नेहरू ने जिस घटिया काम को अंजाम दिया कि एक जीप घोटाले में एक प्रधानमंत्री का नाम आया, ये देश के लिए शुरुआत से ही बहुत शर्म की बात रही कांग्रेस पार्टी के लिए विशेषकर। उसके बाद राजीव गांधी की भी बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में यही भ्रष्टाचार की परंपरा आगे चलती रही। राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स घोटाले में आ गया। राजीव गांधी जी को इस दुनिया से गए बहुत समय हो गया, परंतु आज भी राजीव गांधी जी का अगर नाम लिया जाता है तो बोफोर्स का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ता है, जो कि बहुत ही शर्म का विषय है। और अब सोनिया गांधी की बात कीजिए, जब सोनिया गांधी के की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि मौन मोहन के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि 2G घोटाला, कोलगेट घोटाले, सैकड़ों हजारों और लाखों करोड़ रुपए के कुल मिलाकर घोटाले सामने आए, परंतु कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आई और आज उसी का नतीजा है कि चुनाव दर चुनाव हालांकि भाजपा बार बार जीत रही है और कांग्रेस पिछले 29 चुनावों में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कोई भी नतीजा अपने पक्ष में नहीं ला बना दिया है। राहुल गांधी जी ने लगातार चुनाव हारने का, हालांकि 2G घोटाले में कांग्रेस के सभी नेताओं को बरी कर दिया गया है, कोर्ट ने कर दिया है बरी। मैं हालांकि बात कर रहा था अब्दुल जी, मैं आपसे चाह रहा था, जो अभी अरुण जेटली जी ने एक रिपोर्ट जारी की है उसमें आप कुछ आंकड़ों पर अगर थोड़ा सा विशेष हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आंकड़ों उन्होंने क्या रिपोर्ट अभी बताई है अरुण जेटली जी ने। ध्रुव जी, आंकड़े ही ऐसे हैं कि मुझे तो कहने में ही शर्म आ रही है। चलिए आपको बताता हूँ कि क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला वो अरुण जेटली जी ने इन आंकड़ों के द्वारा सीधे सीधे कांग्रेस को एक थप्पड़ मारा है। देखिए, जो रिपोर्ट अरुण जेटली जी ने पेश करी है उसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से, जैसा कि मोदी जी ने नोटबंदी के दौरान हटा दिया था जी। तो नोटबंदी के बाद से लेकर मार्च 2017 तक 5 महीनों में आयकर विभाग ने करीब 900 समूहों पर छापे मारे और जिसमें 300 करोड़ रुपए से भी अधिक अघोषित संपत्ति तो अकेले कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार के पास ही थी। तो दोबारा कांग्रेस का यहाँ फिर से नाम आ गया और आयकर विभाग ने छापों में तकरीबन 900 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त करी और 7961 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। जी, हाँ बिल्कुल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी थी। जेटली ने यह भी बताया कि इसी दौरान 8,239 सर्वे किए गए जिनमें 6,745 करोड़ रुपए की आय का भी पता चला है। 6,745 करोड़, ये जान सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। और कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार घोटाले कर रही है, मोदी सरकार ने काले धन पे कोई लगाम लगाने में कामयाब नहीं रही है। जब से काले धन पे नोटबंदी हुई है तब से, मैं अब्दुल जी आपको बता दूं कि
पत्थरबाजी कम हुई है, ठीक है। माओवादी अपने आप हथियार डाल के समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये नोटबंदी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अब उनके पास पैसा है ही नहीं, पहले जाली करेंसी वो। परंतु ध्रुव जी, मेरे को तो लगता है कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर में भी अस्थिरता का कारण भाजपा है। देखिए, सबको पता है कि कश्मीर समस्या कहां से उपज हुई थी, कांग्रेस द्वारा। जी जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। जब आपने फसल बोई, आपने पानी दिया, तो इसमें मोदी सरकार कहां से आ गई? आप पौधा लगा रहे हो, बीज आप डाल रहे हो, पानी आप डाल रहे हो, घी का काम, आग में घी डालने का काम आप कर रहे हो, तो मोदी सरकार ने कश्मीर समस्या कहां से आई? मोदी सरकार तो समाधान ला रही है। आप खुद देखिए, आए दिन कितने आतंकवादी 72 हूरों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कश्मीर में पत्थरबाजी पर कितना बड़ा लगाम लगा है ये सबको पता है। और मैं आपको एक और चीज और मैं एक और चीज मैं आपको बताता हूं अब्दुल जी, ये देखिए, हाँ, इसी अवधि में ना अभी आयकर विभाग ने 3188 सर्वे किए और 2485 करोड़ रुपए की घोषित आय का पता ही चला है। हालांकि ये वित्त मंत्री ने एक प्रश्न में लिखित उत्तर में भी बताया था कि 3188 सर्वे में से जिनमें 2485 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि सरकार ने समांतर अर्थव्यवस्था एवं बेहिसाब लेन देन पर नियंत्रण करने के लिए भी कई उपाय किए हैं। और दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ध्रुव जी इस समय जो आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये आंकड़े खुद ध्रुव जी ने या मैंने नहीं बनाए हैं, ये एक सरकारी रिपोर्ट है जिसको ध्रुव जी आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आंकड़े की अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी बात भी वैसी होगी जैसा कि कांग्रेस ने बिना आंकड़ों के भाजपा को नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में घेराव करने की कोशिश करी। परंतु हम यहां आपके सामने बिल्कुल सटीक आंकड़े पेश कर रहे हैं। जी जी, देखिए, आंकड़े हमने आपको बता ही दिए, अब हम आपको बता देते हैं मोदी सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा किस वजह से दिया है, जिससे काले धन पर लगाम लग सके। अब इसके अलावा जीएसटी के जरिए भी मोदी सरकार ने टैक्स चोरी रोक दी है, और यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी और भारत चीन को पछाड़ते हुए एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हुआ है दोस्त। ध्रुव जी, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में ऐसा प्रधानमंत्री मोदी को प्रेज किया था, और उन्होंने ये यहाँ तक ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया के दिशा में भारतीय गवर्नमेंट का जो प्रयास है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की उन्होंने सराहना करी कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या इसे कहें कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के माध्यम से किया है करप्शन पर लगाम लगाने के लिए। हर भारतीय को इस रिपोर्ट पर गर्व होना चाहिए। तो मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल हॉपफीड अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हम ऐसे ही कांग्रेस की और पोल खोल आपके सामने लाते रहेंगे। इन कांग्रेसियों को, चोरों को, चिंदी चोरों को हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।